वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। सबसे पहले बता दे आपको कि भारत के 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 और भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है, और आधी रात को तेज झटकों से दिल्ली दहल गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल के मणिपुर में रात 1:57 में और 6.3 की तीव्रता का भूकंप रहा है, और रात 2:12 पर ही डोडी में 6.6 की तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया है। और दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, MP, हिमाचल और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप से कई घर भी गिर गए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नेपाल में भूकंप के कारण कई घर भी गिर गए हैं और राहत टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के कहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भूकंप का कहर देखने को मिला, और भारत, चीन, नेपाल में मंगलवार देर रात ही 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर रिकवर स्केल पर इनकी तीव्रता देखी जाए तो 6.3 तक मापी गई है। भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और इसके साथ ही दिल्ली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आधी रात को तेज झटकों से दिल्ली दहल गई है। नेपाल के मणिपुर में रात 1:57 में 6.3 तीव्रता का भूकंप रहा है। रात 2:12 पर ही डोटी में 6.6 की तीव्रता का भूकंप रहा है। तो भूकंप के कारण देखे गए हैं, यहाँ पर कई राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, हिमाचल, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें कि भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार देर रात 1:57 पर ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, और रिकवर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.3 तक मापी गई है। भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और भूकंप का केंद्र नेपाल था। और ऐसे में सबसे तबाही जो माना जा रहा है वो नेपाल में ही सबसे ज्यादा मामले जो है सामने आए हैं। यहाँ के दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के कारण यह घर गिरा था और 6 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में बुधवार सुबह ही 6:27 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता 4.3 थी। भारत में नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास ही सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही आपके पूरी बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ही नेपाल और इसके साथ ही भूकंप के झटके जो है वहाँ पर ज़्यादा महसूस किए गए हैं। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भी भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ सर्कल 90 किलोमीटर दूर नेपाल में था। तो इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वार से जुड़ चुके हैं। दानिश, भूकंप के झटके महसूस किए, भारत के 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों को कितनी परेशानी हुई है? देखिए, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में भूकंप के झटकों का कंपन झेलना पड़ा है, और ये दूसरी बार हुआ है ऐसा। इससे पहले जो इसका रिक्टर स्केल नापा गया था वो 4.9 था, और इस बार 5.7 है। यानी कि लखनऊ समेत जो भूकंप के झटके आए हैं तो ये रात के 1:58 पर आए हैं, और पहला जो भूकंप आया वो 8 बजे रात के पास महसूस किया गया। इसको लेकर के काफी लोग डरे हुए थे। लखनऊ में कुछ लोग भूकंप के झटकों को महसूस करने के बाद रात में ही बाहर आ गए थे, और जैसे कि पंखे और कुछ चीजें ऐसी थी घर के अंदर जो हिलने डुलने लगे थे, तो उनको महसूस हुआ कि शायद भूकंप के झटके हैं। और इसका जो केंद्र है वो भारत और नेपाल की सीमा को माना गया है, और इस बार जो भूकंप का झटका था वो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा था। तो यानी भूकंप के झटके हैं वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ समेत जो अन्य जिले हैं वहां पर भी महसूस किए गए, और भारत में कुछ राज्यों में भी महसूस किए गए। अब यहाँ पर जो रिक्टर स्केल की बात की जा रही है वो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। इस बार 5.7 था, पिछली बार 4.9 था। तो जो ये रात में भूकंप आया, अक्सर देखा जाता है कि भूकंप जो है
उसका कोई समय तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ये रात में ही क्यों आता है ये भी एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और रात में 8 बजे पहला झटका महसूस हुआ, उसके बाद रात में 2 बजे हुआ, 2 बजे कुछ तीव्रता ज्यादा नापी गई थी, और जो इसका जो केंद्र है वो भारत और नेपाल की सीमा पर माना गया है। तो अभी भूकंप के झटके रात में महसूस किए गए थे, फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात में ऐसा महसूस किया गया था जो लखनऊ समेत सारे जिलों में था और कई राज्यों में था। जी दानिश, जैसे कि रात के समय भूकंप आया है, अधिकतर लोग रात में सो ही रहे होते हैं, पूरा देश रात में सो रहा होता है, लेकिन जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके कारण कोई अनहोनी की खबर सामने आई है? देखिए, भूकंप में जब जैसे हम लोग थे रात में, हम लोग सोए, हम लोगों को भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियोस आए हैं, जो लोगों ने बताया कि रात में लखनऊ के कुछ जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कुछ लोग बाहर आ गए, तो इसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं जैसे उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कुछ घर गिर गए, तो हादसे कहीं ना कहीं हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कहीं जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन ये भूकंप के झटके रात में आए थे, चूंकि रात में सभी लोग सो रहे थे, और ये वक्त ऐसा होता है कि आधी रात का वक्त या तो ज्यादातर लोगों की भरी नींद में सोने का होता है, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत से लोग जाग रहे होते हैं, लेकिन ये भूकंप के झटके थे, जिन लोगों को महसूस हुए वो बाहर आ गए, कुछ लोगों ने इसके वीडियो बनाना शुरू कर दिए, सोशल साइट पर वीडियो भी आ गए, तो ये झटके जो थे ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य राज्यों में देखने को मिला, और बाराबंकी समेत लखनऊ है, कानपुर है, या आपके प्रयागराज के हैं, या आपके जौनपुर के हैं, इन जिलों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इस बार पिछली बार की तीव्रता से ज्यादा नापे गए, और इसका जो केंद्र है वो भारत और नेपाल की सीमा नापा गया। तो ये जो भूकंप के झटके हैं कि 2-3 में घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, मतलब भूकंप का जो रफ्तार थी इतनी तेज थी, भूकंप इतना तेज आया था कि 6 लोगों की मौत हो गई घर गिरने से। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं जान माल का नुकसान हुआ है, कहीं आर्थिक नुकसान हुआ है, तो कहीं लोग बाल बाल बचे भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि 6 लोगों की मौत हुई है, तो ये हादसा है भूकंप में, तो भूकंप की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, और कहीं कहीं लोग बच जाते हैं। हालांकि लखनऊ की बात की जाए तो जहां जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां वहां पर भूकंप से हादसा होने की आशंकाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि भूकंप जब भी आता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी नुकसान करके जाता है, जो आर्थिक के साथ जानमाल का भी नुकसान कर देता है। जैसे बात की जाए अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जब भी भूकंप आता है तो कोई ना कोई घर वहां पर गिरते हैं, लोगों की जाने जाती हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस तरीके की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन भूकंप का सबसे ज्यादा जो केंद्र माना गया है, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आर्थिक, वो पहाड़ी इलाकों में होता है। इसको लेकर के भूकंप में तैयारियां सरकार करती है, और भूकंप देखिए एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का जोर नहीं है, बस नहीं है, लेकिन ये जो झटके महसूस किए इससे कहीं ना कहीं लोग खौफजदा भी हैं, और सुबह जब ये लोग उठे हैं तो उनको पता चला है कि रात में भूकंप आया था, जो बच गए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो नहीं बचे वो भी भयभीत है। जी दानिश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भूकंप रात में आया था तो लोग घबराए हुए नजर आए होंगे, आपने उनसे बातचीत की है, तो किस तरह का उनका इस पर व्यू रहा है, किस तरह की बातचीत की है उन्होंने? देखिए, रात में तो पता नहीं चल पाया कि भूकंप आया, मैं खुद सो रहा था, लेकिन जैसे ही कि मैंने सुबह लोगों ने बताया कि रात में भूकंप आया था, और भूकंप में पंखे हिल रहे थे, जो बोतल में पानी था वो कंपन में था, तो इस तरीके से जब लोगों ने मुझे बताया तो मैं भी हैरान था कि शायद मुझे भी नहीं पता चल पाया, लेकिन अधिकतर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को पता नहीं चल पाया है, और कुछ लोगों को ये पता चला कि रात में भूकंप आया। हालांकि इसका जो पहला झटका है वो 8 बजे रात में महसूस किया गया, उसके बाद दूसरा झटका 1:58 पर महसूस किया गया। इसकी तीव्रता जो थी वो 5.2 स्केल मानी गई, इससे पहले जो था वो 4.9 था, इस बार जो तीव्रता थी भूकंप की, जो गति थी वो पहले से ज्यादा थी। सेंटर जो था इसका भारत और नेपाल सीमा माना गया। उत्तराखंड में कुछ घर गिरे हैं जहां पर कुछ लोगों की मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य जनपद हैं वहां पर भी भूकंप के झटके देखे गए, लोग दहशत में हैं, और मुझे लगता है इसकी दहशत अभी कुछ दिन तक तारी रहेगी। हालांकि अभी इस मामले में ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये भूकंप में अभी और कितना नुकसान हुआ, हो सकता है शायद शाम तक ये अपडेट मिल जाएगा कि कहां कहां पर उत्तर प्रदेश में जानमाल का नुकसान हुआ है, किन किन राज्यों में हुआ है, इसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। फिलहाल अपडेट इतना ही है कि लखनऊ समेत अन्य जनपदों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भारत में महसूस किए गए, भारत के राज्यों में महसूस किए गए, और इसकी जो मेन सीमा थी, केंद्र था, वो भारत और नेपाल सीमा माना गया, जिसकी गति पिछली बार से ज्यादा थी। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बुधवार सुबह 6:27 पर है फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इन झटकों की तीव्रता 4.3 थी, और भारत में नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके, जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें, जानकारी है कि भूकंप का केंद्र
पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर नेपाल में था। भारत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ तक कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके लोगों की नींद उड़ा चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र जो रहा है नेपाल बना है भूकंप का, और दियायल में ही 21 किलोमीटर दूर था। यहाँ मंगलवार देर शाम को भी दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उनकी तीव्रता 4.9 रही और 3.5 थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी उत्तराखंड में रविवार शाम को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ है सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप से नेपाल जो बताया जा रहा है कि नेपाल केंद्र रहा है भूकंप का, तो इस पे अभी की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। हालांकि इसका जो मुख्य केंद्र वो नेपाल बताया जा रहा है और नेपाल से जुड़ती हुई उत्तराखंड की सीमा है, और उस सीमा में चाहे वो मुंशारी हो या फिर पिथौरागढ़, उन क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही जो सटे हुए जनपद हैं, चाहे वो बागेश्वर हो, चमोली हो, पौड़ी हो, ये तमाम जिलों में भी ये कहा जा सकता है कि भूकंप के झटके महसूस किए। तमाम जैसे ही लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिथौरागढ़ मुंशारी एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, और उत्तराखंड के लोग नेपाल में व्यापार करने के लिए वहां जाते हैं और नेपाल के लोग उत्तराखंड में उन क्षेत्रों में व्यापार करने आते हैं। यानी कि बेहद ही करीबी जो दूरी है वो नेपाल और पिथौरागढ़ मुंशारी के क्षेत्र के है जो कि उत्तराखंड में लगते हैं। तो कहा जा सकता है कि जब केंद्र नेपाल में था तो उसके झटके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ मुंशारी में भी देखने को मिले। और देर रात जब इसकी जानकारी जैसी लोगों को लगी, आपदा विभाग की टीम को लगी, तो आपदा विभाग की टीम में भी उन क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों में लोगों को ले जाने की कोशिश भी की और लोगों से अपील भी की कि यदि कोई किसी के घर में किसी तरीके की दरार आती है, कोई भी दुर्घटना जैसी स्थिति होती है, तो आपदा की टीम को तुरंत सूचित करे, स्थानीय पुलिस को सूचित करे, स्थानीय प्रशासन को सूचित करे। यानी कि कहा जा सकता है कि अब आपदा की जो टीम है, आपदा विभाग की, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है इस भूकंप के झटकों के बाद। सुभाष, उत्तराखंड में कितना नुकसान अभी मापा गया है, कोई जानकारी हो पाई है इसके बारे में भूकंप के कारण? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आ पाई है कि नुकसान कितना हुआ। हालांकि आपदा विभाग की जो टीम है वो लगातार देखने की कोशिश कर रही है कि किन किन स्थानों में नुकसान हुआ और किस स्तर का नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड एक आपदा प्रदेश भी है। लगातार आपदा जैसी कोई भी स्थिति उत्तराखंड में बनती है तो बड़ा नुकसान उत्तराखंड को होता है। तो ये माना जा सकता है कि आपदा की टीम जो है वो तमाम क्षेत्रों में देखेगी कितना नुकसान हुआ, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आज दोपहर तक कहा जा सकता है कि मीडिया के समक्ष रखी जा सकती है कि आखिरकार नुकसान कितना ज्यादा उत्तराखंड में भूकंप आने के बाद हुआ है। जी सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रात के समय भूकंप आया तो लोग कितने इसमें डरे हुए हैं और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे रात के समय बताया जा रहा है कि भूकंप आया था, तो लोग अभी भी डरे हुए हैं कि दोबारा भूकंप आ सकता है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लोगों में दहशत जैसी स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि पहली बार भूकंप नहीं आया। इससे पहले भी मंगलवार बुधवार को उत्तराखंड के इन्हीं क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसके बाद से ही लोग दहशत में जरूर थे और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था, जिसके साथ ही आपदा विभाग की टीमें भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि नेपाल इसका मुख्य केंद्र था तो उसके साथ सटे हुए जितने भी जनपद हैं उत्तराखंड के, चाहे वो मुंशारी का क्षेत्र हो गया, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो गया, चमोली जनपद हो गया, बागेश्वर हो गया, यहाँ तक कि पौड़ी जैसे जो जनपद है पर्वतीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो लोग कहीं ना कहीं दहशत में जरूर है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और आपदा की टीमों ने भी निरंतर लोगों से बात की और उनसे बात करके समझाने की कोशिश की कि उनके लिए एक ऐसा स्थान भी बनाया गया है जब इस तरीके की स्थितियां बनती है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। जी जी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि बताया जा रहा है, नेपाल में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान की खबर सामने आई है। यहाँ के डोडी में भूकंप के झटकों से एक मकान गिर गया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
रोटी में 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। भूकंप में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। नेपाल में सेना राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। नेपाल के ही पीएम शेर बहादुर देववान ने भी भूकंप की वजह से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि भूकंप में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना उन्होंने व्यक्त कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि संवेदना व्यक्त करता हूं और मैंने संबंधित एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में घायलों और पीड़ितों के तत्काल और उचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिए हैं। भारत में नुकसान जो हुआ है उसकी खबर भी हम आपको बता दें। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने भूकंप वाले राज्यों से जानकारी हासिल की है और अभी तक दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही किसी भी तरीके से जान माल के नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आया है। गृह मंत्रालय लगातार राज्यों से संपर्क में लगा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर भूकंप की कहर देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में बताया जा रहा है भूकंप का जो अलर्ट था वो किया गया और रात के समय ये भूकंप आया जिससे लोगों को पता ही नहीं चला। आधे से ज्यादा लोग इस बात से अनजान रहे कि भूकंप आया है, वो सोते रहे और जिसके बाद ये पता चला कि भूकंप, सुबह उठने पर पता चला कि भूकंप आया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अगर बात करें तो बुधवार सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उत्तराखंड में आपको बता दें कि पहले भी भूकंप आया था और उसके बाद दोबारा भूकंप महसूस किया गया। भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार देर रात 1:57 पर भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल की बात करें तो इनकी तीव्रता 6.3 तक मापी गई है। भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था और ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही की खबरें जो है वो नेपाल से ही सामने आ रही है और यहाँ के दोती में एक ही घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बुधवार सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन झटकों की तीव्रता 4.3 थी। भारत में नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और इसके साथ ही जानकारी है कि भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर नेपाल में था। भारत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां तक कि लखनऊ में भी झटकों से लोगों की नींद उड़ गई और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में ही दियायल में 21 किलोमीटर दूर था। यहां मंगलवार देर शाम को भी 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उनकी तीव्रता 4.9 और 3.5 थी और इससे पहले उत्तराखंड में रविवार शाम को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं अगर बात करें नेपाल की तो भूकंप से नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर सामने आई है और नेपाल में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। यहां के डोडी में ही भूकंप के झटकों से एक मकान गिर गया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। डोडी में ही 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। भूकंप के घायल, भूकंप से ही बता दें कि कई लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के कई लोग इसमें हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं और लोगों को अस्पताल में फिलहाल घायलों को भर्ती करा दिया गया है। नेपाल में सेना राहत और बचाव कार्य में जुट गई है और इसके साथ ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववान ने भी भूकंप की वजह से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि भूकंप में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैंने संबंधित एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में घायलों और पीड़ितों के तत्काल और उचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिए हैं और भारत में भी नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने ही भूकंप वाले राज्यों से जानकारी हासिल की है और अभी तक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से किसी भी तरीके से जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। गृह मंत्रालय लगातार राज्यों से संपर्क में है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।